नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशन इंडिया में। और बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार की। राजस्थान की राजनीति से कई बड़ी खबरें सामने आ रही है। हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और सीपी जोशी को मिल चुकी है हार और सचिन पायलट को मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट में जीत। आइए आपको बताएंगे इसी फैसले के बारे में। साथ ही गहलोत ने भी कहा है बहुमत को लेकर कुछ, वो भी जानेंगे और आपको बताएंगे क्या अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो ऐसे में कांग्रेस अपनी स्थिति बरकरार रख पाएगी या फिर नहीं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप आगे भी राजनीतिक खबरें हो या फिर देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस देखने को मिल सके। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना तो ना ही भूले। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको क्या लगता है राजस्थान में क्या स्थिर सरकार है गहलोत सरकार या फिर नहीं। आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको एक एक करके राजस्थान की सभी राजनीतिक खबरें बताएंगे। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए, लेकिन हाई कोर्ट ने सीपी जोशी और उनके वकील कपिल सिब्बल की एक न सुनी और सीधी सी बात है हाई कोर्ट के फैसले को कायम रखने की बात की है। यानी कि सीधी बात है कि जो सचिन पायलट है उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और अब 24 जुलाई यानी कि कल का इंतजार है, कल आ जाएगा फैसला। अयोग्य घोषित करने की बात हुई थी और इसी बात को लेकर स्पीकर पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले तो सचिन पायलट पहुंचे थे हाई कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट का फैसला मंगलवार को आया था कि 24 जुलाई तक फैसले को रिजर्व किया जाता है, तब तक स्पीकर कोई भी आदेश नहीं दे सकते हैं और कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं, ऐसा कहा गया था हाई कोर्ट के द्वारा। और इसके बाद हाई कोर्ट में असफलता के बाद पहुंच गए थे अब सुप्रीम कोर्ट। असफलता नहीं कह सकते हैं क्योंकि फैसला कल आएगा। अगर कल फैसला सचिन पायलट के पक्ष में आता है तो पूरी बाजी सचिन पायलट के पक्ष में हो सकती है, लेकिन अशोक गहलोत अभी भी यही दावा कर रहे हैं कि उनके पास बहुमत है, 102 विधायक उनके पास है। आपको बता दें राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं जिनमें से 101 विधानसभा सीटों वाला बहुमत प्राप्त करता है और 102 वाला सरकार आराम से बना सकता है और उनके पास 102 सीटें हैं, ऐसा खुद अशोक गहलोत द्वारा कहना है। लेकिन उनको खुद को नहीं पता होगा कि कितने विधायक उनके साथ है कितने नहीं है। और अगर सचिन पायलट के पक्ष में फैसला आ जाता है तो ऐसे में उन्हें सचिन पायलट को मनाना ही पड़ेगा और जब सचिन पायलट को मना लेंगे तभी वो अपनी सरकार को कायम रख पाएंगे, अन्यथा उनकी सरकार अस्थिर हो जाएगी। और इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कहा कि विधानसभा सत्र जल्द ही बुलाया जाएगा, साथ ही उन्होंने भरोसा जताया है कि उनके पास बहुमत है। अशोक गहलोत का बयान राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले से ठीक एक दिन पहले आया है, क्योंकि कल आने वाला है राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला सचिन पायलट वर्सेस कांग्रेस पार्टी, अयोग्यता ठहराने का है ये मामला। अयोग्य करना चाहते हैं सचिन पायलट को पूरी कांग्रेस और स्पीकर सीपी जोशी, लेकिन सचिन पायलट ने दरवाजा खटखटा दिया था हाई कोर्ट का। और हाई कोर्ट में जब एक बार केस चला जाता है तो जब तक फैसला ना आ जाए तब तक कुछ किया भी नहीं जा सकता है। और इसी बीच हाई कोर्ट ने भी यही फैसला दिया था कि जब तक ही हाई कोर्ट का फैसला यानी कि 24 जुलाई तक फैसला ना आए तब तक स्पीकर सीपी जोशी कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं सचिन पायलट के ऊपर। तो इस फैसले के बाद पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अभी उन्हें यही चीज सुनने को मिली और उसके बाद अशोक गहलोत का यह बयान आया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उनके पास बहुमत है, लेकिन खुद गहलोत को भी नहीं पता होगा कि उनके पास बहुमत है या फिर नहीं। तो इस प्रकार से थी आज की कुछ बड़ी खबरें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस देखने को मिल सके। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।